please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज बातचीत का सिलसिला वो जो हम आप जिससे लगातार जुड़े रहते हैं। जी हाँ, सवाल ये कि पार्क और सड़कों पर होने वाले हर तरह के धार्मिक आयोजन पर क्या पाबंदी लगा देनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष मुल्क हमारा, उसमें सरकारी जमीन पर या संपत्ति पर धार्मिक गतिविधियों की इजाजत देने, किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियां संबंधी विषय को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी बेंच को सौंप दिया। सवाल यह है कि आखिर ये आयोजन सड़क पर जो होते हैं, पार्क में जो होते हैं, जब बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारा मुल्क फुटबॉल में कमजोर है, अरे भाई कैसे नहीं होगा जब वहां पर टेंट माफियाओं का पार्कों पे कब्जा है और सबको दिखता है साहब। सारे हुजूर पूरी दिल्ली में अगर आ जाए, बड़े शहरों में चले जाए, पार्कों पर टेंट के ढांचे खड़े रहते हैं, चाहे बात कलकत्ता की हो, चाहे बात मुंबई की और चाहे दिल्ली की, हर जगह, हर छोटे बड़े शहर पे कोई भी आयोजन करना हो, सड़क पर चार खूंटे गाड़िए, ऊपर तंबू लगाइए और सुर हो जाइए। जी हाँ, ये है मुल्क, क्योंकि आजादी है। लेकिन आजादी का मतलब ये है क्या? नहीं। इसी मुद्दे पे आज बातचीत करते हुए और सबसे पहले मैं ऑफकोर्स आता हूँ यासिर जिलानी साहब। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। क्या वाह। देखिए, अगर पेड़ नहीं लगाएंगे दिल्ली में, यकीन करें कि हम लोगों का जीना आने वाले वक्त में मुश्किल हो जाएगा। पेड़ की इज्जत करें, पेड़ की अगर इज्जत नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हम अपने मुस्तकबिल और जनरेशन। पेड़ काटे जा रहे हैं, इसी पे तो आ रहा हूँ ना मैं आ रहा हूँ कि हमारी जनरेशन को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम, हमारा जो मुल्क है ना, दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है जी। आप यकीन माने, और सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है जी, वो हमारा सिरमौर है, मुकुट बार है, बार माथा हमारा है, मुकुट है, हम वही माथा टेकते हैं। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई समुदाय नहीं जी। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई मामले को संज्ञान में लेता है तो मुझे लगता है 130 करोड़ भारतीयों के लिए वो मामला संज्ञान में ले रहा है जी। वो 130 करोड़ भारतीय उस सुप्रीम कोर्ट को सलूट करें और उस मामले को सिरमौर बनाएं, तभी हमारी जिंदगी, हमारी व्यवस्था, हमारे पूरे समाज की एक सिस्टम में सुधार आ जाएगा। आप देखिए, इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन अब ये वक्त नहीं है कि हम किसी भी चीज को धर्म के साथ जोड़ दें। धर्म से अब हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हम पिछले कई सालों से लगातार देख रहे हैं कि कभी हम नमाज बाहर पढ़ने पे मुद्दा खड़ा कर देते हैं, कभी जागरण करने के लिए बंद कीजिए, अरे बंद कीजिए, ये सब, ये बंद कीजिए। ट्रिपल तलाक, राम मस्जिद, अल्लाह, ये सब कौन कर रहा है? आप ही के लोग करते हैं। देखिए, अब इस तरह के लोग, जब बदलाव आ रहा है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इनके पेट में इसलिए दर्द शुरू हो रहा है क्योंकि ये मुद्दा विहीन हो जाएंगे। सरकार का आप इस वक्त सरकार के मिजाज को समझिए। सरकार नीचे और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। आज शायरी बहुत हो गई। यासिर मियां, बहुत धन्यवाद आपको शायरी के लिए। मेरा बस एक ही सुझाव है, तथ्यों पर रहिए। आज भी इंसानियत के लिए करूंगा, इंसानियत से जो नफरत कर रहे हैं उनको सुधारना होगा। आप राष्ट्रीय मुस्लिम बन के व्यक्ति है, तथ्यों पर रहिए। मैं सिर्फ एक बात, क्यों चुप रहिए? क्यों गलत बोल रही? तथ्यों पर रहिए। हमले भी कर सकते हैं, ये लोग इस तरह के हैं। आप यकीन माने कि ये लोग चुप कराने में ही ने यकीन नहीं होता है, ये हमला भी करा सकते हैं। ये आज ये भावना में ज्यादा आ गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इंसानियत की आज बात हो रही है। हम विषयों को मिला रहे हैं। विषय ये था कि पार्क और सड़क पे क्या हम धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं उसमें जो लाउड स्पीकर की बात थी उस पर थी। मेरा आपसे निवेदन है, आप उसी पर रहें, क्योंकि मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सड़क का मामला फर्क है। सड़क पे कोई आयोजन नहीं होना चाहिए, हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन कांवड़ नहीं, कांवड़ अलग चीज है। कांवड़ तो लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उसमें क्या आपत्ति है? मैंने पूछ लिया, मैंने नाराज मत हो, मैंने पूछ लिया। पैदल चलेंगे उसमें डीजे 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 चल सकता है?
देखिए डीजे नहीं चलता, डीजे प्रतिबंध है, और अगर मान लीजिए कोई डीजे बजाता है तो गलत है, पहली बात। सुनिए दूसरी बात, इनकी बात पे जो इन्होंने अभी कांवड़ वाले पे कहा, एक शायर ने बड़ा खूबसूरत इनका कहा, मैं क्या तुम क्या, अपने लिए उद हजारों हैं, औरों को नसीहत होती है। तो जब अपने पे बात आएगी तो हम कहें कांवड़ अलग चीज। देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज हो, चाहे कोई भी, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो कांवड़ हो, चाहे वो आपका जागरण हो, किसी को किसी से आपत्ति, मैं कहता हूँ इनको नमाज से आपत्ति नहीं है, मुझे इनके जागरण से किसी से कोई आपत्ति, मुझे आपत्ति इस बात की है कि हिंदुस्तान चूंकि लॉ से चलता है, कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और इन सब लोगों के लिए चलता है, सिर्फ मेरे लिए और इनके लिए नहीं चलता। ये बड़ा दुख का विषय है, हम विषय को समझ नहीं पा रहे। सड़क और पार्क एक जैसे कैसे हो गए? जो पार्क जिस पार्क का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आप उस पार्क की तुलना सड़क से कैसे कर सकते हैं? बात सड़क की हो रही है, पार्क की हो रही है, मेहरबानी करके मुद्दों को मिलाइए मत। हमने साफ कह दिया सड़क पे कोई आयोजन होता है हम सख्त विरोध में, बात खत्म हो जानी चाहिए। अब ये बताइए पार्क है, पार्क जो नहीं आप ये बताइए, आप स्थान दीजिए, कल को आप कम्युनिटी सेंटर में भी जागरण नहीं होगा। आस्था का विरोध नहीं कर रहे, मसला ये है इनके समझ का फेर है। मैंने क्या कहा, हमारा जो भारत मुल्क है, हमारा भारत जो मुल्क है वो संस्कार और संस्कृति पे टिका हुआ है, आस्था पे टिका हुआ है। तो लेकिन आप समझा ये बताइए, स्थान तो दीजिए लोगों को, स्थान तो दीजिए। आप ये बताइए सड़क पे आप करने नहीं देंगे, पार्क पे आप करने नहीं देंगे, आप बंद कर दीजिए जागरण सारे। आप सड़कों पे नहीं बना रहे, आप खुल के सड़कों के विरोध पे नहीं। सरकार पार्क नहीं बता रहे, बदलिए उन्हें, जो पार्क डेवलपमेंट नहीं कर रहे सरकार को बदले भारत के लोग। आज बदले हुए सरकार नजर आते हैं, आज बदले सरकार नजर आते हैं। इंसानियत और इंसान की बात होगी, आज विकास की बात होगी, आज डेवलपमेंट की बात। यू आर वेलकम। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यू आर वेलकम। आज यासिर साहब ने अपनी लाइन से बिल्कुल हट के बात करी है, लेकिन बहुत शानदार बात करी है, इसके लिए मैं कहूंगा। भले ही इन्होंने कहा हो, लेकिन आज इन्होंने धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करी है। और सबसे बड़ा देखिए, मैं एक बात कहूं, किसी का विरोध करना इंसानियत की बात करना नहीं होता, ये मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। विरोध करना इंसानियत नहीं है जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक डिफरेंस है, गवर्नमेंट लैंड और पब्लिक स्पेसेस में डिफरेंस है, आपको ये समझना होगा प्रतीक जी। संविधान के अनुच्छेद 24 और 25 के तहत जो पर्सनल राइट है, हर व्यक्ति को अपने आस्था से जुड़ा राइट है, मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल, ये इसीलिए ये जो संवैधानिक पीठ बैठेगी, संवैधानिक पीठ एक बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि हर व्यक्ति को आप घर के अंदर बैठ के सिर्फ आस्था नहीं करने दे सकते। एक सेकेंड सर, आप बोलिए। दूसरी बात, हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान में लागू होगा, बाहर का संविधान बाहर लागू होगा। शांत रहिए, भले नमाज हो या जागरण हो, लाउड स्पीकर के मैं अगेंस्ट हूँ, परंतु मैं आपसे कहने की कोशिश करूँ, मान लीजिए कम्युनिटी सेंटर है, अब कम्युनिटी सेंटर के अंदर वहाँ के सब लोग चाहते हैं कि वहाँ उस कम्युनिटी सेंटर भले नमाज हो कुछ भी हो पढ़ना चाहिए, तो वो कम्युनिटी सेंटर तो अलाउ कर रहे हैं, वहाँ के लोग तो अलाउ कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें लोकल अथॉरिटी RDA इनको भी आपको एक जिम्मेदारी। एक मास्टर प्लान जब बनता है कहीं का, जी आपको मास्टर प्लान बनता है, उसमें लैंड का लैंड यूज पैटर्न होता है बिल्कुल, तो कायदे में जो लैंड यूज पैटर्न पार्क के लिए है वो पब्लिक एम्यूजमेंट में तब्दील नहीं करा जा सकता, ऑफ कोर्स नहीं किया है ना। मगर यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नेक्सस बन जाता है, आपस में प्रशासन के लोग वहाँ पे रहते हैं, और जब पब्लिक के कुछ नेता जाते हैं वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे होने तो होने दिए जाती चीजें, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लिया है कि जिससे कि आगे आने वाली कोई भी चीज लैंड यूज पैटर्न के अकॉर्डिंग। लैंड यूज पैटर्न में आपका सर मैं आऊंगा, हमें उन सोसाइटी से सीखना चाहिए जो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, जो हमारे लिए आइडियल है, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो। टेरर अटैक होते हैं। अरे सर, अब आप लेट मी कंप्लीट, मैंने आई वाज नॉट इंटरवीनिंग यू प्लीज। आप मैं यूरोप से सीखना चाहिए ना, ध्वनि प्रदूषण, वहाँ सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है वहाँ क्रिश्चियन। आप सड़क पर नमाज का विरोध करते हैं? बहुत पहले ये स्टेटमेंट दिया हुआ है सर, बहुत सारे चैनल्स के साथ, बहुत सारे मेरे ऑफिशियल। आप इस बात को मानते हैं कि अगर मस्जिद में कम है, छोटी पड़ रही है जगह, तो दूसरी मस्जिद बनाई जा सकती है, लेकिन सड़क पर नमाज करना ठीक नहीं? इस्लाम ने तो मना किया है कि सड़क पर नमाज हो ही नहीं सकती है, ये तो बिल्कुल बात ही फैक्ट है। नाउ यू हैव टू कम। मैंने आपके चैनल के
के माध्यम से मौलाना को मैं सलूट करना चाहता हूँ। इस तरह के उदारवादी लड़के जो यंग आ रहे हैं, इनका स्वागत करें हिंदुस्तान। आपका स्वागत हो, आप इनका स्वागत करें, बहुत अच्छी बात। लेकिन नो प्लीज लिसन, यू हैव सीन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हैज बीन सेट, एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया गया। नाउ इट्स योर टर्न। आज बीजेपी ना कोई कांग्रेस का कोई आदमी मैंने नहीं बुलाया। आप सुनिए, हमने पहले ही मना कर दिया, सड़क पर कोई अनुष्ठान होगा, जागरण भी होगा, हम उसके विरोध में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पार्क की। हाँ। पार्क की, खुले मैदानों की, खुले स्थानों की। जो स्थान खुले हैं, जो बोला उसमें आप जागरण आपको अनुमति देनी ही पड़ेगी। माइक लाउड स्पीकर नहीं, उसका प्रावधान है। अगर पड़ोसी ऐतराज कर रहे हैं आप प्रावधान बनाइए ना। हाँ, अगर पड़ोसी ऐतराज कर रहे हैं तो आप बंद करिए। लेकिन अगर पूरा समाज इकट्ठा है, नहीं प्रतीक जी, अगर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट 130 करोड़ लोगों से ऊपर नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं बोलने में। आप बोलिए, 130 करोड़ से ऊपर देश का कोई व्यक्ति नहीं है। 130 करोड़ नहीं है, 130 करोड़ लोगों को, 130 करोड़ लोगों को अगर किसी गाइडलाइन की जरूरत है तो हमारे 130 करोड़ लोगों ने बनाया है, उसको बनाया, उसने आस्था जताई है। भारत का संविधान, भीमराव अंबेडकर ने इतना खूबसूरत संविधान भारतीयों को दिया है, भारतीयों को इतना खूबसूरत संविधान दिया है। सुप्रीम कोर्ट सुन लीजिए, संविधान को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगी। मेरा सवाल ये, इसकी आलोचना करेंगे 130 करोड़ भारतीयों की आलोचना। आगे बनारस से सब घर पर द्वार सब सही है ना? बाबा भोलेगा। एक मिनट, होल्ड ऑन, प्लीज। आई एम कमिंग। बनारस से आए, बनारस की तहजीब के साथ आए हैं। जी ये देखिए, प्लीज बनारस से हैं जी। मैं तमाम लोग हैं, इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप किस धर्म की बात कर रहे हो? धर्म का मतलब होता है किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। क्या बात है, किसी भी भाई साहब, किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, वही धर्म का मतलब होता है। अगर आप रोड पे नमाज पढ़ेंगे और सड़क जाम करके नमाज पढ़ेंगे या जो भी कुछ करेंगे, लोगों को तकलीफ होगा, या किसी धर्म में आता नहीं है। इस पे जाओ, उनसे पूछिए, मौलवी जी से जरा। मौलवी जी ने साहब क्लियर कर दिया, अब तो पूछना बीएचपी वाले से था, बाबा की इजाजत हो तो मैं पूछ लूं। नहीं नहीं, अरे तो हम रोड पे कहां कर रहे हैं, रोड पे कहां कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसकी जगह होगी वहाँ करेगा, वहाँ उसके अलावा नहीं करेगा। कहाँ करेगा? सड़क पे नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्टेड। जी भारत में जो लोग भी हैं, भारतीय संविधान को ये समझना पड़ेगा, भारतीय संविधान जो है वो सभी धर्मों से ऊपर है। मैं चूंकि मुसलमान हूँ, अभी बात घूमकर हमेशा हिंदू और मुस्लिम पर आ जाया करती है, ये तमाम लोगों को धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर बात करना पड़ेगा। जब धार्मिक भावनाओं से ग्रसित हो जाएंगे तो संविधान पर ठेस आ जाएगा। क्या बात है, अगर संविधान को बचाना है तो पहले धार्मिक भावनाओं से अपने आप को फ्री हो जाइए। और ये देश धर्म प्रधान भी है, लोग कहते हैं कृषि प्रधान, मैं कहता हूँ धर्म प्रधान भी देश है ये। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो अब जब नमाज का मामला, जागरण का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को आज बाध होना, ये हमारी नाकामी है, जो धर्म गुरु है उनकी नाकामी है। कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ रहा साहब, इतने इस मामले को तो घर में हमें हल करना चाहिए था। ये मामला हमारे घर का था, हमें चाहिए हमारे पड़ोसी को। आपने इस्लाम की व्याख्या भी की, इस्लाम में स्पष्ट आदेश है कि तुम्हारे किसी भी कृत से अगर पड़ोसी को कष्ट हो गया तो वो बेकार है, तुम्हारा कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। ये है हमारा मुल्क, ये है, रुकिए, ये है हमारा मुल्क, है ना जनाब, है ये बात जी? बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही बात है ना, सच एकदम, बिल्कुल आई एम एग्री सर। ये भाई, ये मुल्क है, ये मुल्क की चीज है जी। क्या नौजवान है? हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, जो बोलो सर। सबसे पहले हम किसी मतलब धर्म के होने से पहले हम हिंदुस्तानी हैं जी, ठीक है। हाँ। और जब कोई भी मुद्दा आता है तो ये नेता सब पहले धर्म को लेकर आते हैं बीच में, और हाँ। जो मेन मुद्दा होता है खत्म कर देते हैं। हाँ। बस हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, ये सब चीजें, ये सोचने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हम कैसे बांटते हैं चीजें जी। मैं ये चाहना चाह रहा हूँ कि सब व्यक्ति इस पैनल में बोले कि जो लाउड स्पीकर्स हैं, जब वो अजान के वक्त चलता है या किसी कीर्तन के वक्त चलता है, लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए। डीजे, लाउड स्पीकर, इन सब का विरोध करना चाहिए। पहली चीज, सब विरोध करेंगे, ऑब्वियसली कानून है, इस पे भैया कानून है, इतने उत्तेजित मत हो, कानून। अरे कमाल है, कोई कानून होने से पहले नॉइज पॉल्यूशन एक्ट पढ़ लेते, कोई बात नहीं। अरे कमाल है, ये आपकी गलती है, मेरी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कमाल है, ये आपकी गलती। अब आप ये चाह रहे हैं कि बात कैनॉट प्लेस में आ जाइए,
जोर जोर से डीजे चलेंगे। आप लोगों को मैं 10 लोकैलिटी दिखाऊंगा जहाँ पे अजान पे स्पीकर होगी। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि पुलिस रिफॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ। जनाब बात दरअसल ये है कि चाहे बात शबे बारात पे सड़कों पे वो घूमते नवयुवक हो और चाहे बात जागरण की, हमको अप्रोच अपनानी पड़ेगी और वो ये अप्रोच कि हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखना पड़ेगा। वक्त है ब्रेक का। भैया जी गेंद में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज का मुद्दा ये कि पार्क और सड़कों पर होने वाले हर तरह के धार्मिक आयोजन, मैं जब कहता हूं हर तरह के धार्मिक आयोजन तो हर तरह के धार्मिक आयोजन पर क्या पाबंदी लगा देनी चाहिए, ये मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा इसको बड़ी बेंच पर रिफर किया गया और आज ये मुद्दा हमारे आम तमाम सारे लोगों के बीच में बना हुआ। सवाल दरअसल ये कि संदीप गुप्ता जो है प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि द ओनली बेसिक रीजन टू डू जागरण इन पार्क इज टू सेव मनी। जागरण पार्क में करने का सिर्फ एकमात्र कारण यह है कि पैसा बचाना। आजकल हर जगह बैंक्वेट हॉल होते हैं, उसमें क्यों नहीं होते हैं जागरण, ये बात उन्होंने भेजी है। साथ साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करूंगा, जनता की तरफ से अगर कोई सवाल उठाना चाहे पूछना चाहे तो वेलकम है। जी जी प्रतीक भाई जी, ये देश जो है इसके अंदर 130 करोड़ लोग रहते हैं जी। आप जिस कम्युनिटी सेंटर की जो बात कर रहे हैं कि उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर ही सब कुछ होना चाहिए, धार्मिक प्रोग्राम हो चाहे शादी ब्याह हो जी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर कितने % कम्युनिटी सेंटर ऐसे हैं जिसके अंदर हम शादी ब्याह कर सकते हैं और सभी लोग कर सकते हैं। गरीब आदमी सुनिए सुनिए सर, उसी में जा रहा हूं मैं, बात सुनिए। आप कई बार आपने देखा होगा कि अगर हमारे शादियों का जब मौका आता है, आयोजन होता है, तो उस वक्त इतनी शादियां होती हैं कि एक जगह पे ही हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। किसी को अगर बड़ा प्रोग्राम करना है तो वो भी अपने दूसरी जगह छोटा प्रोग्राम करने पे मजबूर हो जाता है। मैंने दोनों सवाल सुने आपके, दोनों का जवाब का पहला ये कि अगर आपको लगता है कि वहां आयोजन नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे वाले को परेशानी दें, ठीक है। अब सवाल यह कि सारी शादियां एक समय हो जाती है, खासतौर से हिंदू कैलेंडर में यह है, हिंदू कैलेंडर में एक एक दिन में हजार हजार शादियां होती हैं और हर कोई बैंक्वेट हॉल नहीं अफोर्ड कर सकता है। सरकार किसी की नाकामी दूसरे के सरदर्द नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती। सरकार अगर फेल्योर है, एमसीडीज अगर फेल्योर है, बैंक्वेट हॉल मेंटेन नहीं है, उसका एसी नहीं चलता है, उसकी खिड़की टूटी है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राठौर साहब के घर में आसपास डीजे बचेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ। सरकार सरकार अगर नाकामी है, एमसीडी अगर उसे नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब वो लोगों को, सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि अगर बैन सुप्रीम कोर्ट तो उन्हें सरकार सुप्रीम कोर्ट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इतनी तीक्ष्ण और इतनी बेहतरीन नजर रखती है कि वो सब जानती है, सारे पहलू रखती है। देखिए बहुत उम्दा बात आपने कही कि ये वजह कि अगर मुझे शादी के लिए बैंक्वेट हॉल नहीं मिल रहा तो मैं सड़क पे शादी करना शुरू कर दूं, नहीं दूसरों के लिए कि मैं ये कहूं कि सरकार का फेलियर है। सरकार इसके चाहे शादी हो चाहे दावते वलीमा, सड़क पर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बोला ना दावते वलीमा भी नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं उतना ही विरोधी हूँ, बिल्कुल दावते वलीमा भी नहीं हो सकता। ऑफकोर्स आई एम कमिंग जी। देखिए प्रतीक जी, हम विषयों को फिर मिला रहे हैं। वैसे आपने आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात की, उनका हम पूरा इस्तकबाल करते हैं, पूरा स्वागत करते हैं जी। लेकिन पूरे आदर के साथ एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने बात कही थी कि यदि तीन तलाक कोई धार्मिक मसला है हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पूरे सम्मान के साथ कहना चाह रहा हूँ, पूरी बात सुनिएगा। दूसरी बात, आप ये बताइए, नहीं नहीं आप बोलने दीजिए, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न लगाते हैं, ये ना तो देश के तिरंगा को मानते हैं, न देश के दूसरे धर्म को मानते हैं। एक बात बताइए, आपके पास या मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानूं? प्रतीक भाई, मौलाना जी किस तरीके से अभी जागरण जिस तरह के दबाव दे रहे हैं, क्या तीन तलाक का उतना समर्थन करने? यही बताना चाहते हैं पूरे समाज को, जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय लेता है जो हिंदू समाज के विरोध में, सब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट किसी और मानने बोलता है, सब कहते हैं हम नहीं मानेंगे। आपकी सोच छोटी है, आपकी सोच छोटी है। सुनिए, देखिए हम लोगों ने ट्रिपल तलाक पे पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और जो गलत जो गलत थे वो गलत है, विरोध किया है और विरोध करते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी। तलाक गलत था, गलत है, गलत रहेगा। वक्त है छोटे से ब्रेक, कमरे के बाद फिर आता हूं।
भैया जी कहेंगे आपका एक बार फिर स्वागत है कनॉट प्लेस में मौजूद। और आज का मुद्दा ये कि धार्मिक कार्यक्रम जो है सार्वजनिक स्थल पार्क सड़क पर होने चाहिए या नहीं, इसी पर आज का सवाल। आप सवाल एट प्रतीक टीवी पे जाकर अपना दे सकते हैं ट्विटर के जरिए। यह मुद्दा सीधे जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि शादी ब्याह में जो फिजूल खर्ची होती है उसका उदाहरण सबसे अच्छा सिखों से लेना चाहिए। सिख धर्म में उन्होंने गुरुद्वारे से अनाउंस किया कि जो शादी है उसमें जो खास तौर से रात में ना हो के दिन में हो, फिजूल खर्ची बचे, जो पैसा बचे वो दूसरों को दिया जाए, उन लोगों को जिनके यहाँ जरूरत है, जिनकी बटियों बेटियों की शादी नहीं हो सकती है। और ये उदाहरण है, समाज जो है उदाहरण से चलता है। उदाहरण जितना बड़ा रखेंगे यकीन मानिए आपका समाज उतना ही जीता जागता दिखाई देगा। ये मैंने सिर्फ बात कही है, आपका मानना ना मानना आपके ऊपर है। फिजूल खर्ची रोकी जा सकती है और गरीब की बेटी की शादी कराई जा सकती है। बहरहाल सवाल था एनजीटी का, एनजीटी के इसके मुद्दे को ऊपर आगे बढ़ाते हुए एनजीटी के वकील। देखिए, आस्था का कंबल ओढ़ के कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और उसमें कोर्ट में धार्मिक चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। कोर्ट को कानून की इंटरप्रिटेशन करनी है, कोर्ट अपना काम कर रहा है और उसे उसी तरीके से काम करने दिया जाए। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें कि आप जो लोग कुछ टीवी पे और इस तरीके की बातें करते हैं उलूल जुलूल, जिसका कोई मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ये किसी भी किस्म की राजनीति सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट कानून की इंटरप्रिटेशन करने के लिए बनाए, कानून अपनी जगह है, बस जरूरत है कि वो लोग जो कानून की पालना नहीं कर रहे वो करने लगे तो कोई इस तरीके का मसला ही नहीं होगा। मेरे हिसाब से इसका सलूशन ये है कि सरकारी जमीन पे कोई भी ऐसे कार्यक्रम ना हो, भले अजान हो या भले कीर्तन हो, परंतु लोकल पार्क में अगर लोकल लोग चाहते हैं कि उनके वहां पे हो सकते हैं तो वो लोकल लोगों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। तो ये डिफरेंस करना जरूरी, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 24 और 25 आस्था से जुड़ा हुआ है जिसमें वो इतनी फ्रीडम देता है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये लाइन लेगी जी। लेकिन वही बात, पड़ोसी को खलल नहीं होनी। क्या हम इतने असभ्य हो गए हैं प्रतीक जी कि आपस में मिलजुल कर क्या हम इस बात को फैसला नहीं कर सकते कि कैसे जागरण निकले, कैसे ताजिया निकले, कैसे नमाजें हों, कैसे शादियां हों? हम कोर्ट कब जाते हैं? जब आप और मैं लड़ रहे होंगे तब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं सर। नहीं तो आप अगर हम मेल के ऐसी व्यवस्था डेवलप करें जहाँ जागरण भी हो। यकीन मानिए मैं आपकी बात पे एक बात जोड़ रहा हूँ, अगर ये छोटी नजीर बन गई तो याद करिए बड़ी जो नजीरें बनानी है, बड़ी नजीरें मुल्क में जो बननी है वो हल हो जाएंगे सिर्फ छोटी बात से। तो मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि हमें हल निकालना चाहिए और हम सबको मिलजुल कर ऐसे फैसले करने चाहिए जहां जागरण भी हो, आपका ताजिया भी निकले, नमाज भी हो, आपके सारे कुछ हमारे फेस्टिवल मनाए जाए। प्रतीक जी, गंगा जमुनी तहजीब में हम लोग विश्वास करते हैं, यहाँ सावन आने वाला है, यहाँ कांवर भी चलेगा और यहाँ इस तरह से सवे बारात भी चलेगा, ये अच्छा लगेगा। लेकिन किसी की भी स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए जो आप बार बार कह रहे हैं। और ऐसा करते हुए कांवड़ जैसे पावन त्योहार पे मुसलमान भाई इसी दिल्ली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए यही हमारी संस्कृति है। मेरा जो ये कहना है और जो भी अभी हमारे पैनलिस्ट ने इस बात कही है कि आप कम से कम अब बदलाव के दौर पे गुजर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए हम यहाँ कुछ भी बोल रहे हैं जब तक जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी प्रतीक भाई, जैसे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आप मुझे बताइए कि आज तक कोई सुधार का कार्यक्रम दिखाई पड़ा? मुझे माफ करिएगा, आप मेरे साथ चलिए, शुक्रवार को जुमे की नमाज में सारी रोडे बंद हो जाती हैं। कहा तो अभी इन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत, अरे आप और मैं ही तो मिलकर जमीनी हकीकत चेंज करेंगे। जब अपने शब्दों में तब्दीली नहीं लाएंगे तो आपके एक्शन में कैसे तब्दीली आएगी सर? आज ये बताइए, यहाँ बोलने से क्या लाभ हो जाएगा? यहाँ बोलने से क्या लाभ? बोला उन्होंने, बोला। अरे सर बोल नहीं रहा हूँ, आई एम डिलीवरिंग इट इन माई एक्शन। नमाज सड़क पर कबूल नहीं होती है, बोला। और क्या बोला? और क्या बोले? किसी मौलवी ने देवबंद के फतवा जारी किया क्या? क्या किसी भी मौलवी ने चाहिए फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता, फतवा मांगा जाता है। आप मांगिए फतवा, आप मांगिए जी। प्रतीक भाई फतवे की जरूरत नहीं है इसमें। आज जिस मुद्दे पे बात चल रही है, जिन लोगों ने परमिशन मांगी थी उसका मानना ये था, मेरा मानना ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां से उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, अगर वो मिलके आपस में अगर जागरण करते हैं कोई भी धार्मिक कोई भी चीज करते हैं तो उसमें जिससे लाउड स्पीकर नहीं, वहां के लोग अगर उसे लाउड स्पीकर डिस्पेंस नहीं होता है तो वहां पे प्रोग्राम होना चाहिए। अगर किसी धार्मिक आयोजनों में सादगी बरतनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात,
जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसके ऊपर लागू होने चाहिए ताकि वो अपना काम ठीक से करें, आम आदमी को परेशानी ना हो और सिस्टम आगे बढ़े। जी यही वो मुद्दे हैं जो जो आपका काम कमिंग आज आज थोड़ा सा लेट है क्योंकि वक्त हो चुका है आरपार का, आरपार की तैयारी मुझे जी बिल्कुल बिल्कुल आज आज रहने दीजिए। एक सेकंड में एक बात बोलूं, जल्दी बोलिए। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब रावण और ताजिया साथ साथ होती है तो फिर मंदिर बनाने में क्या दिक्कत हो रही है? मुझे मैंने कहा पहले छोटी फिर बननी चाहिए, बननी चाहिए, बननी चाहिए, छोटी चीजें पहले सॉल्व करिए, बड़ी अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। वक्त थोड़े ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।